नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्ट हैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। महोदय, देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ग्रामीण विकास का व्यापक दायरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है। इसका अर्थ निर्धनतम लोगों की अपने स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूंजी का निवेश एवं उसका विस्तार, उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोजगार ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था के उत्पाद विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है। मंत्रालय की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संभरण विकास कार्यक्रम हैं। इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का महत्व इसकी योजनाओं के आवंटन में वृद्धि को बताता है। जहां 9वीं योजना में इसका परव्यय 40,000 करोड़ रुपये था, उसे बढ़ाकर 10वीं योजना में 80,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बढ़े हुए परव्यय के साथ साथ, जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान अधिनियम 1992 में बताया गया है, लोगों की कार्यक्रमों में बेहतर भागीदारी प्राप्त होगी, जिससे निर्धन ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास को नई दिशा प्राप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय प्रयास में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों को दी गई नई दिशा की एक झलक इस पुस्तिका में प्रस्तुत है। ग्रामीण गरीबी की समस्या कम ग्रामीण उत्पादकता और अल्प रोजगार व बेरोजगारी से जुड़ी है। यद्यपि विकास की सामान्य प्रक्रिया के अधीन ही उत्पादक रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाते हैं, फिर भी ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा आय के कुछ न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष रोजगार कार्यक्रमों की सतत आधार पर जरूरत है। उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाएँ चलाई गई थीं। 7वीं योजना के आखिरी वर्ष में 1 अप्रैल 1989 से उस समय विद्यमान 2 रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त फायदेमंद रोजगार का सृजन करना है। ग्रामीण आर्थिक आधार ढांचे को सुदृढ़ बनाकर सतत आधार पर रोजगार के
सृजित करना है महोदय। सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियां सृजित करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना, मजदूरी स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना, गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित वर्ग हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है, रोजगार के 30% अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, केंद्र और राज्यों द्वारा 80-20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है, केंद्रीय आवंटन देश के कुल गरीबों की तुलना में राज्य संघ शासित क्षेत्र के गरीब ग्रामीण लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है, वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है।